सो हेलो गाइस, मैं दिव्यांश सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारे और आपके चैनल टेक्निकल फ्रेंड टेक्निकल विद मस्ती में। तो गाइस, आज हम लोगों का टॉपिक है कि हम लोग के मोबाइल में व्हाट्सएप और टेलीग्राम टू ऑलमोस्ट लोग यूज़ करते हैं। तो ये टॉपिक उसी विषय में है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे एक नया बग आया है, यानी एक नया वायरस आया है जिसकी हेल्प से हैकर्स लोग आपकी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम की इन्फॉर्मेशन को। वो यहाँ तक कि देख ही नहीं सकते, उसमें बदलाव करके जैसे आपने किसी के पास सेंड किया कुछ और कुछ पहुँच जाता है, तो वो लोग चेंज कर देते हैं उसको। तो गाइस, वो कौन सा वायरस है, वो कौन सा बग आया है व्हाट्सएप और टेलीग्राम में, उनसे सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक देखिए, तभी आप लोग इस बग और इस वायरस के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो गाइस, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल फ्रेंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाइए, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और गाइस, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस, मैंने देखा है कि व्यू तो आते हैं मगर लाइक नहीं आते, क्यों? क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो गाइस। तो इस वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के आप लोग ये ज़रूर बताइए कि हम सजेस्ट कीजिए कि हम लोग आगे कौन सी वीडियो डालें, किस टॉपिक पे डालें। तो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाइए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइस, हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नेवर मिसिंग अपडेट्स। बात कर रहे हैं कि मोबाइल में कौन सा व्हाट्सएप और टेलीग्राम में बग आया है जिसके कारण ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन चुराई ही नहीं जा रही, आपका डेटा चुराया ही नहीं जा रहा, उसको बदल के, उसको चेंज करके, उसमें हेरा फेर करके उसको दूसरे के पास भेजा जाता है। तो गाइस, ये उन लोगों के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम बिल्कुल बिल्कुल सही मैसेंजर ऐप है, इसमें आपकी मीडिया फाइल सुरक्षित हैं। तो गाइस, तो हम आप लोगों को बता दें कि साइबर फाइल्स साइबर सिक्योरिटी फर्म ने सिमेनेटिक के जरिए ये पता लगाया है कि हैकर्स लोग उस फाइल्स को देख सकते हैं और उसमें हेरा फेरी भी कर सकते हैं। तो गाइस, हैकर्स लोग उसमें वीडियो ऑडियो और बाकी अन्य डॉक्यूमेंट्स को देख के उसको चेंज करके इनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो गाइस, और हम आप लोगों को इसमें बता दें कि ये एक मीडिया जैकिंग नामक बग के कारण है, ये बग व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ही केवल अभी तक आया है। और गाइस, आप लोगों को एक बात और हम बता दें कि ये जो बग है, ये बग उन्हीं मोबाइल उन्हीं स्मार्टफोन में है जिनके में मालवेयर पहले से ही इंस्टॉल है। ये एंड्रॉयड में वीडियोस ऑडियोस और बाकी सभी अन्य डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन लेता ही नहीं, उनको चेंज कर सकता है, क्योंकि मीडिया फाइल जैकिंग नाम का एक बग ऐसा है जो हैकर्स को इन्फॉर्मेशन देने में ही नहीं मदद करता व्हाट्सएप और टेलीग्राम में, बल्कि उनको चेंज करने में भी उनकी हेल्प करता है। और गाइस, हम आपको बता दें कि ये व्हाट्सएप की जो मीडिया फाइल्स होती हैं ये आपके एक्सटर्नल स्टोरेज में जाती हैं, ओके, और जो टेलीग्राम की फाइल्स होती हैं ये आपके गैलरी में जाती हैं। तो गाइस, इस कारण कोई भी ऐप आप कोई भी या सिक्योरिटी आप कहिए जो आपके मैसेंजर मीडिया फाइल्स पे आप लोगों को सिक्योरिटी दे सके नहीं दे पाती, क्योंकि वो एक्सटर्नल में जाती है और वो आपके गैलरी में जाती है इस कारण। मगर हैकर्स जो होता है वो आपके मोबाइल में कुछ फाइल्स ऐसी भेजता है जिसके जरिए वो आपके इंफॉर्मेशन को देख नहीं सकता, बल्कि उसको चेंज भी कर सकता है। तो गाइस, इन सबसे बचने के लिए फार्म यानी सिक्योरिटी फार्म ने एक ऐसा विकल्प कई विकल्प निकाले हैं जो कि डेवलपर कर सकता है इससे, इस बग से बचाने के लिए। तो गाइस, हम आप लोगों को बता दें, इससे बचने के लिए डेवलपर ये कर सकता है कि अब जैसे कोई भी फाइल सेंड करता है तो उसको अपने डेस्क में लिखने से पहले उसको एक बार चेक कर ले, उसकी जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद उसको अपने डेस्क पे लिखे। तो गाइस, जब उसकी जांच पड़ताल हो जाएगी तो उसके बाद वो सेफ रहेगी, क्योंकि ये सभी मोबाइलों में नहीं लेकिन कई व्हाट्सएप और टेलीग्राम में ऐसा हो चुका है, ऐसे एंड्रॉयड मोबाइल स्मार्टफोन में ऐसा हो चुका है कि उनके इंफॉर्मेशन चोरी ही नहीं होती बल्कि उनकी इंफॉर्मेशन चेंज होकर किसी दूसरे के पास पहुँचती है।
तो गाइस आप लोग प्लीज इसे सतर्क रहिए और देखे रहिए कि मैंने इससे पहले आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि उसमें कौन कौन सी मालवेयर एप्स होती हैं जिनके कारण आपका मोबाइल हैक हो जाता है। तो गाइस आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिए, मेरे इसी चैनल पे पड़ा है। तो गाइस उस वीडियो को देख लीजिए और जान लीजिए कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जिनसे आपके में मालवेयर यानी वायरस आ जाता है, जो हैकर्स लोगों की हेल्प करता है आपकी इन्फॉर्मेशन चुराने में नहीं बल्कि उनको चेंज करने में भी। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो अगर गाइज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसके कमेंट में लिख के आप लोग ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोगों का इस वायरस के बारे में क्या ख्याल है। और गाइज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली या अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास, ताकि वो लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से ये बच सकें ऐसे बग्स जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम में आ रहे हैं। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम में केवल इनेबल होते हैं बग्स। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना। इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में देखे बेल आइकन को दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मसालेदार टॉपिक के साथ। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों का ख्याल रखिए। तो गाइस अड़ोसियों पड़ोसियों का मुझे मजबूरन सहारा लेना पड़ता है, ये मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ मजबूरियाँ हैं मेरे पास, इसका मुझे अड़ोसियों पड़ोसियों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन बहुत से बॉयज ऐसे हैं जो इन अड़ोसियों पड़ोसियों का मतलब बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो गाइस 100 में 90% लोग समझ गए अड़ोसियों पड़ोसियों का मतलब, तो मैं अड़ोसियों पड़ोसियों से काम चला लेता हूँ। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।